वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को सलवार का कटिंग बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत आसान तरीका है। आज आप लोग को मात्र 2 मीटर कपड़ा में सलवार का कटिंग काट कर बिठाएंगे। चलिए कपड़ा को रखते हैं। लंबाई है 35.5 इंच। देखिए कपड़ा को हटाने के बाद हम कपड़ा को दोहरा कर लेते हैं। देखिए कपड़ा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोहरा करते हैं। दोहरा करने के बाद तो 4 तरह कपड़ा को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबाई है 35.5 इंच, तो 7 इंच ऊपर छोड़ करके और 35.5 पर नाप लेना है, ताकि 7 इंच ऊपर से कमर पट्टी लगेगा, इसलिए 7 इंच छोड़ देना है और चिन्ह देना है। 35.5 पर हमने चिन्ह दे दिए। चिन्ह देने के बाद क्या करना है, हिप का तिहाई में से 7 इंच कमर पट्टी के लिए छाट करके बाकी बचेगा 6 इंच। 6 इंच पर हमने चिन्ह दे दिए। उसके बाद इधर से लेते हैं 2 इंच। 2 इंच पर उसका ऊपर से हम अब चिन्ह लेते हैं। 2 इंच पर चिन्ह दे दिए। चिन्ह देने के बाद हम नीचे से भी चिन्ह दे देते हैं। नीचे से चिन्ह दे दिए, उसके बाद इसको गोलाकार कर देते हैं। अब हमने गोलाकार कर दिए, इसी प्रकार से गोलाकार करना है। अब क्या करते हैं, मोहरी है 12 इंच, 6 इंच प्लस 1 इंच और 7 इंच सिलाई के लिए। 7 इंच पर हमने चिन्ह दे दिए। उसके बाद नीचे से मोड़ने के लिए 2 इंच पर हमने चिन्ह दे दिए हैं। नीचे मोहरी कपड़ा मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिए हैं। उसके बाद वहाँ से हम तिरछा लेते हैं, यहाँ 7 इंच पर। 7 इंच पर हमने तिरछा ले लिया। उसके बाद इधर से तिरछा देते हैं, इसलिए कि उसको मोरा जाएगा, उस पर आराम से बैठ जाएगा। अब इसको कटिंग काटना है। देखिए आप कटिंग काट लेते हैं, इसको हमने कटिंग काट दी। चलिए कटिंग हो गया। अब कटिंग होने के बाद चलिए इसको अब हटा देते हैं। अब कमर पट्टी निकालते हैं। कमर पट्टी के लिए निकालना है हिप का चौथाई प्लस 6 इंच, यानी 12 से 36 से 6 42 इंच होता है। 42 का आधा होता है 21 इंच। 21 पर हमने चिन्ह दे दिए। उसके बाद 7 × 9 9 इंच पर इसे चौड़ाई ले रहे हैं। 7 इंच उधर एक्स्ट्रा लिए हैं। उसके बाद 2 इंच डोरी मोड़ने के लिए 2 इंच ले रहे हैं, तो हमने 9 इंच पर चिन्ह दे दिए। और इधर दे दिए 21 इंच पर, 21 इंच पर हमने इधर चिन्ह दे दिए और ऊपर भी 21 इंच पर चिन्ह देते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, सीधा लकीर खींच देते हैं। हमने लकीर खींच दी और इस साइड भी लकीर खींच देते हैं। चलिए इस स्केल से भी सीधा लकीर खींच देते हैं। उसके बाद ऊपर से 9 इंच पर जो चिन्ह दिए हैं, ऊपर से 9 इंच पर अब स्केल लगाना है। ऊपर से 9 इंच पर भी हम चिन्ह दे दिए। चलिए ऊपर से 9 इंच पर चिन्ह दे देते हैं। 9 इंच पर चिन्ह दे दिए। अब क्या करना है, कटिंग करना है। हम कपड़ा को अब काट देते हैं। चलिए कपड़ा हो गया, अब दोहरा करते हैं। देखिए इस प्रकार दोहरा देना है। उसके बाद इसमें चौथाई करके चिन्ह देना है। इसमें मोड़ना है आधा से, मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ना है और उसके बाद चौथाई पर चिन्ह दे देना है। चलिए हमने चौथाई पर चिन्ह दे देते हैं। चिन्ह हमने इसलिए दिए कि चौथाई का जो बीच में हुआ उसमें प्लेट नहीं लगाना है, पीछे वाला में प्लेट नहीं लगाना है, और जो 2 भाग में आगे चौथाई हुआ वो तो दोनों तरफ प्लेट लगाना है। चलिए अब सिलाई करते हैं। चलिए दोनों को हम जोड़ लेते हैं। देखिए दोनों रखे हुए हैं और दोनों के जो हिप का अथी है, गोलाकार है, उसको हम जोड़ लेते हैं। चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। अब इस पर सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद इसको उलट देते हैं। उलटने के बाद क्या करते हैं, अब कमर पट्टी को जोड़ना है। कमर पट्टी को हमने जोड़ लेते हैं। चलिए कमर पट्टी जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद कमर पट्टी को क्या करना है, इसको कमर पट्टी लगाना है। चलिए देखिए बीच में सबसे पहले प्लेट देना है, पीछे वाला में एक और प्लेट देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और उसके बाद इसको काटते हैं। काटने के बाद कमर पट्टी को पीछे वाला सियन से सिलाई करना है, और जो चौथाई चिन्ह दिया हुआ था वह तो खुटका तक लाना है। सी करके खुटका तक हम ले आए। लेने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से अब टेकिंग देना है। चलिए हम टेकिंग देते हैं। एक हिस्सा में चौथाई का एक हिस्सा में हमने टेकिंग पड़ी दे दी। चलिए देने के बाद ऊपर से अब क्या करते हैं, सिलाई मारते हैं। चलिए ऊपर से हमने सिलाई मार दी। देखिए सिलाई मारना, ऊपर से इस तरह से सिलाई मारना है। सिलाई हमने सिलाई को मार दी। अब क्या करना है, इस तरफ भी उसी तरह देना है। एक हिस्सा में टेकिंग देना है, एक हिस्सा सिलाई कर देना है। चलिए एक हिस्सा को हम सिलाई करते हैं, बाकी 2 हिस्सा पीछे बच जाता है सीने के लिए और 2 हिस्सा आगे चला जाता है। चलिए 2 हिस्सा हम सी लिए, अब एक हिस्सा में टेकिंग देते हैं।
आधा पीछे है, आधा पीछे नहीं देना है टेकिन, आधा वाला में आगे वाला में टेकिन देना है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ दिए कमर पट्टी को भी हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अब क्या करते हैं, इसको इस साइड भी जो हिप है, हिप वाला लेग लेंथ है, इस साइड भी हम जोड़ देते हैं। चलिए इस साइड भी सिलाई हमने कर देते हैं, दोनों को रख करके दोनों को सिलाई हमने कर देते हैं। चलिए सिलाई को हम कर दिए। करने के बाद इसको थोड़ा सा डोरी निकालने के लिए जहाँ पर जगह छोड़ देना है, चलिए डोरी निकालने के लिए जगह भी छोड़ देते हैं। देखिए फिर अब दोहरा सिलाई मारते हैं। दोहरा सिलाई मारने के बाद देखिए ये डोरी का जगह है, देख लीजिए यह डोरी का जगह छोड़ दिए हैं, ऐसे डोरी हिलेगा। अब क्या करना है, ऊपर सीएन है, सीएन को दोनों तरफ चाँप देना है। चलिए सीएन को दोनों तरफ से देखिए चाँप रहे हैं, इसी प्रकार से आपका भी चाँपना है। चलिए दोनों तरफ से हमने सिलाई मार दी ताकि डोरी हिलाने में उसमें फंसे नहीं। अब क्या करना है, ऊपर से मोड़ देना है, ऊपर से डेढ़ इंच वाला मोड़ना है ताकि दो इंच लिए हैं उसमें आधा इंच चल जाएगा सीएन में, बाकी डेढ़ इंच मोड़ देना है। डेढ़ इंच हमने मोड़ते हैं, चारों तरफ डेढ़ इंच हमने मोड़ दिए। चलिए अब डोरी के लिए बन गया, बन के रेडी हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब नीचे बनाना है, बकरम लगाना है। बकरम चलिए सबसे पहले कोरी में बकरम को सी देते हैं। देखिए इस प्रकार से बकरम एक साइड में सी देना है, देखिए हमने सी रहे हैं बकरम को, इसी प्रकार से आपका भी बकरम सी लेना है। जितना चौड़ा बनाना है उतना चौड़ा बकरम काट करके दे देना है। अब इसको एक तरफ एक बार मोड़ना है, फिर दोबारा इसको मोड़ करके दोबारा फिर मोड़ना है। अब मोड़ने के बाद उसके बाद इस पर सीएन चलाना है। चलिए इस पर हम सीएन चला देते हैं। देखिए अब सीएन को यहाँ वहाँ चाँप देना है, इसी प्रकार से अब सीएन हमने चाँप देते हैं। चलिए एक साइड में हो गया, अब दूसरा पैर में इसी तरह से बकरम लगाना है। इस बकरम को देख साइड में सी देना, देखिए साइड में बकरम को हम सी रहे हैं, देखिए इसी प्रकार से बकरम को सी देना है। और सीने के बाद इसको उलट देना है, उलटने के बाद एक तहाव मोड़ देना है। चलिए एक तहाव मोड़ करके उस पर सीएन चलाते हैं। चलिए हमने सीएन चलाते हैं, चलिए सीएन चला दिए। चलाने के बाद इस पर जितना धागा मारना है पतला पतला एक चाँप ले करके दो तीन धागा जो मारना है जो मार दीजिए। चलिए धागा को हमने मार देते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, मोहरी लेना है, मोहरी है 12 इंच, तो 12 इंच पर नाप करके 6 इंच पर हमने सीते हैं। चलिए 6 इंच हमने मोहरी ले लिए, अब सी देते हैं। और उसी तरह से इस तरह भी 6 इंच मोहरी नापना है, 6 इंच भी इस तरह भी नाप करके सी देना है। चलिए इस तरह भी सिया गया, दोनों तरफ सिया गया, सलवार सियाकर रेडी हो गया। यह सलवार का कटिंग और सिलाई आप लोग कैसा लगा, अगर आप लोग को यह सिलाई अच्छा लगा होगा, कटिंग अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नए नए कटिंग को डालें, सिलाई को डालें, आप लोग नोटिफिकेशन पहुँचे और लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।